ओम शांति अमृतधारा देखुथिबा आध्यात्मिक प्रेमी भाई भणी मानंको मोर हार्दिक अभिनंदन सहित सुस्वागतम। आज विषय वस्तु होची पुण्य कर्मर फल। दान और पुण्य गोटे मुद्रार दुईट पार्श्व परे। दान कले पुण्य प्राप्ति होता है एवं मानवात्मा पुण्यात्मा रे परिणत हुए। ताहले एबे आमे जानिबा दान कौन परोपकार भावना नहीं स्वअर्जित धन संपत्ति बुद्धि बल समय इत्यादि किसी अंश निस्वार्थपर भाव आवश्यक समय सम्मानपूर्वक अन्यर कल्याण अर्थ अर्पणर अन्य नाम हो दान। साधारणतः मनुष्य माने धनदान साधु संत महात्मा माने गुणदान एवं भगवान समस्त मनुष्य मानको ज्ञानदान क्षमादान सर्वोपरि गुणदान मध्य करिथांति। प्रकृत दानीर हृदय करुणा संतुष्टता परोपकार उदारता त्यागवृत्ति सहानुभूति सहयोग भावना एवं हृदय तार बहुत किछि सुगुण मध्य देखा जाय थाय। दानी अर्थात दान शक्ति वाला जे कि संपूर्ण निर्लोभ। दानी अर्थात सहयोग शक्ति एक शाखा जहाँ को व्यवहार रे आनिबा लागि समस्तक प्रति कल्याणकारी दृष्टि वैराग्य वृत्ति जीवन रे त्याग तपस्या निष्काम सेवा नितांत दरकार। दान एपरि एक मंच जहाँ को विपन्न करिबा द्वारा भाग्य रूपक वृक्ष प्रकट होता है। ताहा प्रकारांतरे पुण्य फल प्रदान करिथाय। सेथिपाई कहुजाए देइथिले पाई बणिथिले दाई। दान एपरि एक व्यवसाय जहाँ को मुक्त हस्तरे खुला हृदय रे आशा न रखी करा जाए। जहाँ को लाभ क्षेत्र तराजुरे ओजन करा जाए ना एपरिक डाहाण हाथर पुण्य बाम हाथ मध्य न जानो एवं कलापर संपूर्ण भूली जावा दरकार। दान एपरि एक बैंक जमा खाता जो थे कि जमाराशि संचित हो रही थाए अर्थात जमा कला द्वारा ता आपे आपे लिभि जाय थाए। किंतु अदृश्य भाव जन्म जन्मांतर पर समूल सुध भाव ता संचित हो रही थाए। दान एक परोपकार जो थे स्वोपकार सहित सर्वोपकार मिसिक रही थाए। यह शुभ भावना शुभकामना भाव अनासक्त भाव करा जाए। दान एक सेवा जहाँ आंतरिक हृदय आशीर्वाद प्राप्त करवा संगे संगे फल आकांक्षी बहुत दूर रखे। दानर रूप अनेक साधारणत धनदान अन्नदान वस्त्रदान जलदान भूदान गुदान कन्यादान क्षमादान बरदान जमीदान इत्यादि इत्यादि। किंतु क्षमादान होची सर्वश्रेष्ठ दान जहाँ केवल भगवान ही करी थांती। सबु धर्मर मनुष्य माने मंदिर मस्जिद गुरुद्वार चर्च एवं विभिन्न प्रार्थना स्थल जाई निजर पाप भूल एवं दुख जातना लगी भगवान निकट रे क्षमा प्रार्थना करती। पापर परित्राण लगी मुक्ति मध्य मागी थांती। भगवान निकट रे बारंबार क्षमा प्रार्थना करथिबा मनुष्य टीए निजर मनुष्य भाई को थरे मात्र क्षमा करने को से राजी हुए ना। से कहुए गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। भगवान समस्त आशा जानी करी थांती एवं सेमानों को क्षमा कर दियंती। मनुष्य सब पाए एवं भूली जाए। से चाहे तार दोष त्रुटि कहीं टिके हेले न जानंतु
किंतु जदि किछि पुण्यकर्म कर दिए से भावे मोर समस्त जानंतु तार प्रशंसा सुनिबा पई बहुत व्यग्रता बढ़ी चले। किंतु कहा जाए गुप्त दान महापुण्य यार प्रलब्ध मध्य बहुगुणित हो रही थाए जेपरी गुप्त पापर मध्य दंड बहुगुणित हो थाए सेतिपई दान देला बेले पात्र देखि दान देवा उचित कौन दान करुछे दातार मनोवृत्ति किपर अच्छी कहाँ को दान करा जाउछि तार परिणाम कौन हेबो यहा जानिला परे करुथिबा दान ता पुण्य रूपांतरित होई पुण्य फल प्राप्ति करिथाय। दानीबर कर्णंग पाखरे दानर भार एते अधिक थिला हे चालिबा समय रे बसुमाता मध्य सह्य करि पारनथिला एवं तांगु प्रतिदिन शहे भार स्वर्ण मुद्रा प्रदान करुथिला। थरे महादानी कर्ण भोजन करुथांती से समय रे प्रहरी आसी बाहर एक ब्राह्मण दानर अपेक्षा बसिंटी बोली सूचना देले। तत्क्षणात राजा बामहस्तरे मोती माली काढ़ी प्रहरी हाथ में प्रेरण कले किंतु पाखरे उपस्थित राणी राजा को कहले महाराज यही समय दान करने आपणकर उचित हला नहीं खाई सारापर दाहन हस्तर दान करते भल होता। महाराज हसी हसी कहले महाराणी से ही समय मोर डाण हाथ तो अशुद्ध था किंतु ये हाथ को धोला समय किए जाने मो मनरु दानर भाव अपसरी जा न तेणु कहुए तुरंत दान महापुण्य एवं से पुण्यकर्मर फल मनुष्य को निश्चित भाव प्राप्ति होता है। तेणु ये पुण्यकर्मर फल जानवा पूर्वर आम जाना प्रकृति कर्म कौन कर्म कृत धातुर उत्पत्ति कर्ता जो करते कर्म ए सृष्टिदेवी रंग मंच में प्रत्येक व्यक्ति अभिनय अर्थात कर्म करपर कहीं व्यक्ति नहांती कि संसार कर्म करूना से श्रीमद भगवत गीतार कहुई नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत ये तो सृष्टिर नियम आहरी गीतार कहुई संसारे कर्म न करिण क्षण न रहे कही जन तेणु प्रकृत गुण बले टाणी उटारी कर्म करे एणु प्रकृत आयतरे कर्म करती सर्वनरे ए संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जत आत्मा स्वरधारण करी आसे से दिन ठारो से कर्म आरंभ कर दिए कहीं कर्म ही मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा देवात्मा रे परिणत करता है। दुख सुख धनी गरीब सुंदर असुंदर रोगी निरोगी बुद्धिवान बुद्धिहीन कर्मर प्रतिफल तेणु आम साधारणत मनुष्य संसार तीन प्रकार कर्म करिथाय सुकर्म विकर्म अकर्म मनुष्य निज को आत्मा भावी एवं से परमपिता परमात्मा स्मृति में रही जो कर्म करिथाय ताको सुकर्म कहा जाए किंतु मनुष्य निज को देह भावी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष घृणारे वशीभूत हो जो कर्म करे ताको विकर्म कहा जाए से ही मनुष्य फल आकांक्षा बहुत दूर रही एवं निस्वार्थपर भाव जो कर्म करे ताको अकर्म कहा जाए अर्थात कर्मण्य बाधिकारस्तु माँ फलसु कदाचन पुण्यकर्म करिबा परे जो सिद्धि प्राप्त हुए ताको फल कहा जाए से प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन भाषा रे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए। सुकर्म द्वारा मनुष्य को सुख शांति मिलता है विकर्म द्वारा दुख शांति मिलता है एवं अकर्म द्वारा मनुष्य श्रेष्ठ पद अर्थात देवी देवतारे परिणत होता है। किंतु बड़ परितापर विषय ए संसार रे कर्म विकर्म पाप पुण्य को नहीं
बहुत मत मतांतर बिवाद चली कहते पाप पुण्य मध्य किसी भेद ना भेद केवल निजर दृष्टिकोण कई लोक जहाँ को पाप बोली कही था अन्य कहीं ताको पुण्य बोली कही था तेणु आम मन में प्रश्न अंकि मारे प्रकृत में पुण्यकर्म कौन किंतु ए सृष्टि रंगमंच को जब मनुष्य आसे से निश्चित भाव से कर्म आरंभ कर देता है। ए कर्म द्वारा मनुष्य को फल निश्चित भाव में मिलता है ता पापकर्मर फल हो कि पुण्यकर्मर फल हो एवं जेपरी गोटे मंजी लगे से गच्छ निश्चित भाव उत्पन्न होता है सेपरी कर्म द्वारा मनुष्य को फल निश्चित मिलता है जेपरी गोटे आम यदि कंटा मंजी लगेबा कंटा वृक्ष पाइबा यदि आंब डाक लगेबा आंब गछ पाइबा मनुष्य जो कर्म करिथाए से कर्म द्वारा ताको पुण्य प्राप्ति होता है किंबा से कर्म आधार तार पापकर्मर फल बढ़ी जाए साधारणत ये जो कर्म करा जाए ता द्वारा मनुष्य को सुख मध्य मिले आज संसार रे के बहुत स्वास्थ्यवान अच्छे अर्थात से निश्चित भाव पूर्व जन्म कहारी स्वास्थ्यगत सेवा करथिला आज मध्य किए बहुत शांति जीवन जापन करुछि अर्थात से पूर्व जन्म कहा को निश्चित भाव शांति प्रदान कर आज किए सुखर जीवन जापन करुची से पूर्व जन्म निश्चित भाव दान पुण्य करपरी गोटे शिशु जन्म हो नाम कोटि कोटि टंका रखि दि जाऊँ शिशुटी जन्म है कर्म कौन कला किंतु एत टार अधिकार है किपरी ये हूँ तार पूर्व जन्मर कर्मर फल से कहा जाए प्रेजेंट इज दि रूट ऑफ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज रूट ऑफ ऑल्सो प्रेजेंट तेणु कहीं कहीं कही था हे भगवान मुत भल कर्म करुच्छी मत कहीं दुख अशांति मिलू जड़े ये पापकर्म करुच्छी केन संपत्ति बाड़ी बंगला सबकि अच्छी कितु यह भाविबा मनुष्यर संपूर्ण भूल कहीं गोटे मंजीरे साधारणत गोटे अवधि थाए मंजी बुणवार गोटे अवधि कहीं थाए जेपरी आम गोटे गहम चारा लगो ताको उत्पन्न करने शस्य अमल करने 120 दिन लगुच किंतु गोटे यदि आंबटा को लगो से फल पाइबापी 6 वर्ष लगुच हे तो से वृक्ष फल दे पारे न दे पारे किंतु कर्म फल अनिवार्य थरे राजस्व असमध यज्ञ गोटे नेऊल गड़पड़े यह महाराजा युधिष्ठिर दृष्टिगोचर है से जानापी यज्ञ स्थल को प्रवेश कले दुई दिन पूर्वर यज्ञ समाप्त होता है यज्ञ बहुत दान पुण्य होता है महाराज नेऊल को पचारे ये कहीं गड़पड़ हो से कहले महाराज मोर गोटे पट पीठर लोम सुनेली रंग हो जाए आ गोटे पीठर रंग को सुनेली करने मे यज्ञ स्थल गड़पड़ हो महाराज कहले किपर है से कहले गोटे वर्ष बहुत दुर्भिक्ष पड़ा से समय गोटे ब्राह्मण जनक 7 दिन पर्यंत अनाहार रहा कि छतुआ मिलला से छतुआ को से घर को लेकिन जवा समय द्वार देश गोटे डाक शुभिला एवं से डाक शुणी से बाहर को आसी देखिले गोटे ब्राह्मण एक मास हला अनाहार दुर्बल एवं अतिथि सेवा गृहस्थर परम धर्म तेणु गृहस्वामी निजर भाग छतुआ को से ब्राह्मण को देदेले किंतु अल्प आहार पाई एवं बहुत दिन हला भोक उपवास रही जो भोक आहरी बढ़ीगला किंतु स्त्री एवं छुआ मानकर छतुआ को से ब्राह्मण को देदेले से ब्राह्मण खाई संतुष्ट हो पड़गले से छतुआर गुंड मोर पिछले पड़ जाता तेणु सुनेली रंग हो जाए तेणु महाराज युधिष्ठिर कहले से पुण्यर बल बहुत थिला किंतु मनुष्य से हीपर भाव निष्काम हृदय जी पुण्यकर्म कै से पुण्यकर्मर फल निश्चित भाव प्राप्ति हो।
मनुष्य जानवा उचित ये पुण्यकर्मर गुह्य गति अति सूक्ष्म अटे। मनुष्य जना अजन एवं परोक्ष भाव एपरी कर्म करथाए जहाद्वारा ताको पुण्यफल प्राप्ति होता है। थरे राजा संपन्न थी बहुत कृपण थे दासी सबुदे राजा भोजन रो गोटे गोटे रोटी चोरी कर दान करते समय अनुसार राजा को शत्रु मान द्वारा आहत होगा पड़ा एवं से ही रोटी ढाल हो शत्रु मान कबल राजा को रक्षा कला। तो एक कहार सार हूँ व्यक्ति परोक्षरे अपरोक्षरे जो सब कर्म करथाए से कर्म तार पुण्य हिसाब से प्राप्ति होता है। केत पुण्यकर्मर परिणाम बेसी केत कम होता है, कर्मर परिमाण शहे गुण होता है, केत एक गुण होता है, यह पूर्व निश्चित। जेपरी गोटे मटर दानू असंख्य मटर मिलता बेले गोटे कोबी मंजी गोटे कोबी मिलता है, किंतु कर्मफल निश्चित अनिवार्य। केत कर्मफल परिमाण कम होता है मनुष्य सुख अनुभव करे, केत कर्मफल परिमाण बहुत हो जाए से दुख अनुभव करता है अर्थात दुखी हो जाए था। किंतु कर्मफल परिमाण केत भोग हुए ना यह गुप्त भाव भोगवाक पड़े, किंतु कर्मफल भोग मनुष्य को अनिवार्य से निश्चित भोग से कहीं कहीं पापकर्म रो मुक्त पाइबापी दान पुण्य करु बास्तव में दान ताक कह जो दान द्वारा मनुष्यर जीवन परिवर्तन हुए तास्तव में ज्ञान दान। से ज्ञान को मनुष्य जीवन रे धारण कर स्वयं देवी देवता संपन्न बनी पार। तेणु आम जानवा मनुष्य चाहिले से कंटा बुदा को फूल बगिचार परिणत कर पापर खाता को चुक्त कर पुण्यर खातार परिणत करें। मेन इज एन आर्किटेक्ट अफ ओन फ्यूचर, मनुष्य निज भविष्य निर्माण निजे ही करें। तेणु आगुरी तो आम जहाँ सब कर्म करू किंतु एबे आमर जीवन को एपरी भल कर्म कर सुधार जहाद्वारा से ही कर्मर फल आम को पुण्य प्रदायक हम एवं पुण्य प्राप्ति कर से पुण्य कर्मर फल पाई आमर जीवन सुख शांतिमय हो पार। किंतु आम समस्ते से ही परम पिता परमात्मा अविनाशी सत्ता आत्मा, तेणु आत्मिक रूप से आम जो सब कर्म करवा निष्काम सेवा भावना जो कर्म करवा ताक पुण्य श्रेणी में गणाजी। तेणु मोर से आध्यात्मिक प्रेमी भाई बंधु मानक अनुरोध कर संसार अंतिम घड़ीसंधि मुहूर्त एपरी पुण्यकर्म करवा से पुण्यकर्मर फल आम साथीव जहाद्वारा आम से ही देवी देवतार पद को प्राप्ति कर। तेणु ए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जो ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा दिहको मनुष्य जानी एवं जीवन रे धारण करने द्वारा तार जीवन निश्चित भाव पुण्यकामी एवं से पुण्यफल प्राप्ति ताको निश्चित हम एवं ताद्वारा से एपरी एक गोटे सुमानव परिणत हो जार मन वचन कर्म द्वारा अनेक मान को प्रेरणा मिल से अनेक मानकर प्रेरणार स्रोत हो पार। तेणु मोर भाई भौनी माने आपण मानक अनुरोध माने निश्चित भाव ईश्वरीय विश्वविद्यालय आसी पदार्पण करंतु एवं निज जीवन को सुधार नियंतु एवं से ही पुण्यर भागी आपण माने हंतु। मैं ये कही मोर वक्तव्य को विराम देउछि। ओम शांति।
ओम शांति। मुई आशीष कहचे बरगढ़ सेन्टर रु आई दुई मिनिट भर मोर फिलिंगस कहमी मुई जेन आईसे आबुके बोले पहला काण थी मोर भाई गिरीश से पहला जो बरगढ़ रोचे से सेन्टर के जाऊला आमर घर जाकर तार सपोर्ट किए ना दौ थी तु कहीं जाऊ बेकार के तु कहीं जाऊ सब गाली करूली देखला बेल के धीरे धीरे करी आमर घर लोके बिल इम्प्रेस हो गले जानले जे प्रकृति रे ज्ञान मार्कटा इटा है। आज के 15 दिन तले मुई जत मोर बापार संगे टिके टिके नु गाली झगड़े हो गली मोर बापा के तुमको पिटी पकाबी कहली सेतकी बेल के मोर दादा गिरीश दादा आसला आर मोर बापा के कहला इटा के किछि नै इटा के थरे ज्ञान मार्ग के छाड़ी दि माउंट आबू थरे पठे दि जानवा ई प्रकृति रे ज्ञान मार्गटा काण है। सेतकी बेल के गोटे अच्छे आम जत आर्मी इंटरव्यू दे जाऊ नेवी दे जाऊँ से बेल के आमर गोटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दरकार कण ग्रेजुएसन कम्प्लीट कर सैंस 60% आवश्यक हेन्ता आमर जिते बेले माउंट आबू के आसमु आमर गोटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दरकार जे 7 दिनिया कोर्स कर ब्रह्मतत्व किसी जानी तापर जगह आसवा कितु प्रकृति में रियल कथा हूँ मुई कि ना जानी मुई मसे भितर ज्ञान के आईचे आमर घर पाठशाला अच्छे कितु मुई के ना जाए मुई फुटबल खेली पलासी इड़ सियाड़ बुली पलासी सबुआड़े मुई घर के ना था संध्या टाइम के कितु मुई यहादे प्रतिज्ञा कर सब बेली मुई मुरली सुनमी पढ़मी आर बुझमी आर आउ क्या रिश्मी हबार लगे राग हबार लगे इच्छा न लगवा कहले सबुदिन क्लास कलापर गोटे मनरे अलग भावना पलै आसे। ओम शांति।